आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से पैटीज, या आप इसे वड़े भी कह सकते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले हमें चाहिए भीगी हुई 1 कप चना दाल, 2 कप बचे हुए चावल, 1 कप मटर के दाने, स्वाद अनुसार हरी मिर्च लें और अब मिलाएं हरा धनिया, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। अब मिलाएं 1/2 चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और इन सभी सामग्रियों को एक साथ दरदरा सा पीस लें। पीसे हुए चावलों से हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा चावल लेके इसे फ्लैट कर लें और इसके बीच हम रख देंगे चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा और इसे कवर करके हम इसे एक बॉल का शेप दे देंगे और इसे फ्लैट कर लें और इसे एक टिक्की का आकार दे दें। और हमारी टिक्की आप जैसा देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इन टिक्कियों को कोट कर लेंगे सेव के साथ। अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये तैयार है फ्राई करने के लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि टिक्कियाँ जो हैं अंदर तक पक जाए और चीज़ जो है पिघल जाए। इन्हें हमें बीच बीच में पलटते रहना है। इन्हें हमें सुनहरा होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं पैटीज जो है वो बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं और ये अब सर्व करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की पैटीज में आप सब्जियों को भी मिक्स कर सकते हैं, ये आप बच्चों के टिफ़िन पर भी दे सकते हैं। ये पैटीज जितने हेल्दी हैं उतने ही हैवी हैं। इसे खाने के बाद आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। इन्हें आप सर्व कर सकते हैं किसी भी हरी चटनी या सॉस के साथ। ये मुझे तो खाने में बहुत टेस्टी लगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए।